हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल अक्की वर्मा लाइफ स्टाइल में। गाइस, ये है आरशी। आरशी हाय बोलो। हाय। हाय फ्रेंड। आप लोग सब पूछते हैं ना आरशी के लिए, तो आरशी बोलती है हाय फ्रेंड। गाइस, आज गर्मी बहुत है, सॉरी। मैं आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली हम लोग आज मार्केट गए हुए थे, तो मार्केट से हम थोड़ा सा सामान परचेज कर लेके आए, क्योंकि और कल मतलब आज शाम को हम वी स्मार्ट पॉइंट भी जाएंगे, शॉपिंग करेंगे थोड़ी। वहाँ से खाने पीने की चीज़ें हैं घर की, वो थोड़ी ख़त्म हो गई है, तो वो भी लेके आएंगे। तो अभी हम मार्केट से थोड़ी देर पहले ही आए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, हम पहले गए थे सुबह डॉक्टर के पास, गए थे। आरशी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो आरशी को हम डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास मेरठ के जो मशहूर डॉक्टर हैं, क्या नाम उनका, पीपीएस चौहान, उनके पास लेके गए थे। बच्चों के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, वो स्पेशलिस्ट है, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो उसके पास हम आरशी को लेके गए थे। हमने सुबह ही आरशी का नाम लिखवा दिया था, उसका नंबर आया 55 पे, वो 3 बजे के बीच में आया था, तो इसलिए हम अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो आरशी के पेट में, आरशी 2 दिन से अपने पेट में दिक्कत बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। तो हम आरशी को आज डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने वैसे तो सब कुछ ठीक बताया। पता है क्या है कि ये ना कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीती है, इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया कोल्ड ड्रिंक से, तो डॉक्टर ने इसको मना कर दिया। मना किया ना डॉक्टर ने, तो अब तो नहीं पियोगी, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, अब बोलो कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी। बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये जूस पिएगी, अब ये बोल रही है पक्का। तो इसको कोल्ड ड्रिंक के लिए और बाहर की चीज़ों के लिए अवॉइड करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। अब ये घर की चीज़ें खाएगी और जूस पिएगी, और बॉटल से दूध पीती थी वो भी नहीं पिएगी, अब ग्लास से दूध पिएगी, है ना। तो हम फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा फ्री हुए थे, तो हम मार्केट चले गए, तो वहाँ से हमने 2-3 कुर्तियाँ परचेज की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो हमने दवाई पी है। हाँ, बोलिए कि हमने दवाई पी है। तो अभी हम कुर्तियाँ लेके आए थे, हमने ज़्यादा कुछ तो मार्केट से परचेज नहीं किया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और छोटी बेबी दीदी की घर पर थी, जो सोमो है वो घर पर ही थी। अभी देखो वो खेल रही है, वो देखो कैसे खेल रही है। तो वो भी घर पे ही थी, और उसको हम लेके नहीं गए थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो उसको हम बाहर लेके नहीं गए, हमने सही नहीं समझा उसको बाहर ले जाना। तो अभी वो खेल रही है, और हम बनाएंगे अभी चाय पियेंगे, उसके बाद में मैं फिर शाम को, मैं व्लॉग बना रही ना, तो दीदी पीछे से हंस रही है। तो हम जाएंगे शाम को वी स्मार्ट पॉइंट। मैं कल शाम भी गई थी विशाल मेगा मार्ट, उसका व्लॉग मैंने अभी डाला नहीं था, वो व्लॉग भी अभी डाल दूंगी, उसकी वीडियो भी डाल दूंगी। और अभी शाम को जाएंगे वी स्मार्ट पॉइंट। अभी फिलहाल हम चलते हैं चाय बनाने के लिए, हम चाय बनाएंगे, तो ज़्यादा थकान हो रखी है मार्केट से आए थे। तो अभी हम चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद मैं आपको जो मार्केट से कुर्तियाँ परचेज करके लेके आई हूँ वो आपको मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। चलते हैं, चलिए चाय बनाएंगे। अभी हम पहुंच गए किचन में, अब हम बनाएंगे चाय, क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया कि हम चाय बनाएंगे, तो हम चाय के लिए जल्दी से फटाफट गैस चला लेते हैं। लाइटर हो चुका है हमारा ख़राब, वो चल नहीं रहा है फिलहाल, माचिस से ही काम चला लेते हैं। तो अब मैंने गैस ओपन कर लिया है, और मैं चाय के लिए पानी ले लेती हूँ फटाफट। ये मैंने चाय के लिए पानी ले लिया है, मेरी चाय बन जाएगी फटाफट। मैंने जैसे कल आपको अपने व्लॉग में बताया था कि मैं चाय, चीनी, पत्ती सब एक साथ मिक्स करके रख देती हूँ, उसकी वजह से चाय में बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है और कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं इसमें फटाफट से दूध वगैरह मिक्स करके रख देती हूँ, ठीक है। तो चाय में हमने डाल दिया है दूध, उसको डाल देते हैं हम चीनी। खीरे रख, तो उसमें मैंने डाल दी चीनी, पत्ती, अदरक कसके डाल देते हैं। Thank you.
तो इसमें मैंने डाल दिया है अदरक और उसको रख दिया मैंने पकने के लिए, तो ये अच्छे से पक जाएगी। तो इसमें और थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं, तो ये चाय तब तक पकती है। चलो तब तक चाय पकती है, मैं आपसे चाय बनी जब तक चाय बन जाती है फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। फाइनली फ्रेंड्स हमने पी ली है चाय, अब हम चाय पी के बैठ गए। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हम मार्केट गए थे, तो मार्केट से जो मैं कुर्तियाँ परचेज करके लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आज का जो कलेक्शन मैं परचेज करके लेके आई हूँ मार्केट से। तो फर्स्ट है ये वाली कुर्ती, ये कॉटन की कुर्ती है, मतलब ये पूरा प्रॉपर सूट नहीं बोल सकते, इसको जीन्स पे हम वेयर कर सकते हैं, प्लाजो पे वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और इसका जो साइज है वो है मीडियम, और इसका जो ब्रांड है वो फैशन ब्रांड के नाम से दिया हुआ है। मुझे नहीं पता कोई फैशन ब्रांड के नाम से कोई ब्रांड है या नहीं है, बट जैसा भी है इस पर लिखा हुआ है फैशन, तो उसके अकॉर्डिंग ये ले लिया। इसकी लेंथ आई थिंक होगी 30 के समथिंग इसकी लेंथ होगी, मीडियम साइज में है ये, अच्छी खासी 3/4 लेंथ साइज़ की ये तुम्हें स्लिप दी हुई है, और आगे से कॉलर वाला है ये, आगे इस पर थोड़ा सा सीक्वेंस का वर्क हुआ हुआ है, फुल लेंथ है। प्रिंट इसका फ्लावर प्रिंट है और कलर है स्काई ब्लू, इस पर फ्लावर का डिज़ाइन दिया हुआ है। ये नीचे से बंद है, ओपन नहीं है, नीचे से बंद है ये। तो ये है हमारी फर्स्ट कुर्ती, जिसका प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। वैसे भी मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ ये 350 की प्राइस में एक कुर्ती है, जो हम जींस के लिए जींस पे वेयर करने के लिए लेके आए हैं। समर के हिसाब से बहुत अच्छी कुर्ती है, कॉटन है प्योर। सेकंड अब आती है सेकंड कुर्ती, ये है मरून कलर में एक कुर्ती, ये भी सेम जींस पे वेयर करने के लिए कुर्ती लेके आई है। इसका भी ब्रांड है फैशन ब्रांड, और इसका भी साइज है मीडियम, और ये भी सेम ही मतलब कपड़ा इसका सेम है, ब्रांड भी सेम है और साइज भी सेम है। 3/4 लेंथ की इसकी वो स्लिप्स दी हुई है, और स्लिप्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे छोटा सा डिज़ाइन दिया हुआ है ये लेस का, और यहाँ पे छोटे वाले प्लास्टिक वाले जो सितारे स्टोन टाइप जो होते हैं वो, आगे भी यहाँ पे आपको बोट में यहाँ पे गले पे आपको डिज़ाइन दिया हुआ है, इसी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे ना बटन सेम जैसा जिस तरीके की होती है उसी तरीके के यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक टिच बटन भी दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो बटन है ऊपर बटन का काम है, नीचे टिच बटन का काम है, हम इसको आगे से इस तरीके से खोल सकते हैं और इनको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ इसकी सेम है, ये भी मीडियम साइज़ में है, लेंथ इसकी सेम है, और ये एक साइड से ओपन कुर्ती है, तो इसलिए इसे भी हम प्लाजो पे और जींस पे वेयर कर सकते हैं। सेम प्राइस में 350 के प्राइस में है ये भी, और ये है हमारी मरून, और उस पर ब्लैक कलर का फ्लावर प्रिंट वर्क दिया होगा। तो ये हमारी सेकंड कुर्ती थी, इसका भी प्राइस 350 है, स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो गाइस ये समर के हिसाब से बहुत अच्छा कलेक्शन चल रहा था, जो हम ये कुर्तियाँ लेके आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। थर्ड कुर्ती हमारी ये है, वो दो कुर्तियाँ जो मैंने आपको पहले दिखाई वो मैंने दीदी के लिए परचेज़ की है, दीदी ने मतलब अपने लिए परचेज़ की है, और ये जो ये कुर्तियाँ जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ ये मैंने अपने लिए परचेज़ की है। तो ये है मेरी जो मैंने अपने लिए परचेज़ की है, मुझे इसका कलर अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है कि इसका कलर और कपड़ा जो है दोनों बहुत अच्छे हैं। सॉरी गाइस मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये भी सेम बॉट नेक है, आगे से कॉलर वाला है, और आगे से वी शेप में इसमें एक डिज़ाइन दिया हुआ है, ये मैंने स्मॉल साइज़ में परचेज़ किया अपने लिए, और आगे से यहाँ पे एक इस पर छोटा सा बटन दिया हुआ है जो बहुत प्यारा लग रहा है। 3/4 लेंथ इसकी साइज़ बाजू की साइज़ है, और आगे से ये कुर्ते टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ है जो बाजू बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे बटन है, इस बटन को हम ओपन नहीं कर सकते, फैंसी तौर पर एक बटन दिया हुआ है, बुकरम का यहाँ पे काम है, चौड़ा बॉर्डर टाइप दिया हुआ है, सेम इसी बाजू पे है। लेंथ इसकी अच्छी खासी 30 के समथिंग है, और आगे से ये थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ है, इस पर पीछे का पल्ला जो है वो बैक का जो फ्रंट बैक वाला जो पल्ला है वो थोड़ा बड़ा है, और आगे का जो थोड़ा सा वो छोटा है, तो ये एक डिज़ाइनिंग दी हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। प्योर कॉटन में ऑरेंज लाइट पिस्ता कलर जो होता है पीच कलर होता वो है, और इस पर रेड एंड ग्रीन कलर के फ्लावर छोटे छोटे बने हुए। तो ये थी हमारी थर्ड कुर्ती, ये भी हमें ये आई थिंक हमें 400 की पड़ी है, वो थोड़ा 350 की थी और ये 400। कैसी है ये कुर्ती,
ये 400 की है, ठीक है। और इसकी जो खास बात है, ये साइड से खुली हुई है। जो पहले कुर्तियाँ दिखाई थी वो पहली वाली जो कुर्तियाँ थी वो एक कुर्ती बंद थी और दूसरी खुली थी, थर्ड वाली कुर्ती भी साइड से खुली हुई है। तो ये थी हमारी थर्ड कुर्ती जो हमने मार्केट से परचेज की है, इसका प्राइस है 400। अब हम आपको दिखाते हैं लास्ट कुर्ती जो मैंने परचेज की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका कलर भी अच्छा है। उस पर जो कलर है वाइट और येलो लाइट और ऑरेंज कलर की वो कुर्ती है, सेम जीन्स के लिए मैंने वो वेयर किया। ये कुर्तियाँ जितनी भी हमने परचेज की है प्लाजो पे, विद जीन्स पे या ट्राउज़र पे या कैफरी पे हम आराम से इनको वेयर कर सकते हैं और कहीं भी इनको पहन के जा सकते हैं। तो ये हमारी फोर्थ कुर्ती जीन्स के लिए जो हमने मंगाई है, जो मैं लेके आई, सॉरी। तो इसकी भी लेंथ बाजू की 3/4 लेंथ साइज बाजू का दिया हुआ है, सेम इधर का भी ऐसा ही है। और बाजुओं पे सबसे अच्छा वर्क है इसका, यहाँ पे दिया हुआ है ये डिज़ाइनिंग, इससे और ज़्यादा प्रिटी लगी है कुर्ती। पीछे से सिंपल गला दिया हुआ है और आगे से थोड़ा यू शेप का गला है और बटन का वर्क दिया हुआ है। ये बटन आपको यहाँ पे ऊपर से बटन है, मतलब ये जॉइंट बटन है, नहीं सॉरी, ये खुल जाते हैं बटन, ये काज वाले बटन होते हैं ना, वो वाला दिया हुआ है, तो ये आगे से भी खुल जाता है, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो लाइट ऑरेंज कलर का कलर है और इस पर जो वर्क दिया हुआ है वो दिया हुआ है थोड़ा, मतलब प्रिंट वर्क है और वाइट कलर का दिया हुआ है। साइड से ये ओपन है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, साइड से ये ओपन है, ये दोनों साइड से ही ओपन है। तो ये जीन्स के लिए बहुत अच्छी है और इसे प्लाजो पे भी हम आराम से पहन सकते हैं। तो कॉटन की है, प्योर समर के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ये था फाइनली आज जो मैं मार्केट से सामान परचेज करके लेके आई, कुर्तियाँ जो परचेज करके लेके आई। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं जो मार्केट से कुर्तियाँ परचेज करके लेके आई हूँ वो आप लोगों को कैसी लगी। तो हम अभी हम लोग फ्री हैं तो आज हम जाएंगे स्मार्ट पॉइंट में, हमारे यहाँ पर गंगानगर में एक स्मार्ट पॉइंट खुला है, तो हम आज उसमें शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हुई है, नई ऑफ़र क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। वहाँ की वीडियो भी मैं बनाऊँगी, अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी आप सब लोगों को, ठीक है। और अभी तो जो मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा बारिश वाला, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी कि बाहर का मौसम किस तरीके का हो रहा है। तो चलो चलते हैं और मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा के आती हूँ किस तरीके का मौसम है। और हाँ फ्रेंड, मेरी जो ये कुर्तियाँ हैं आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिना स्किप किए ऐड तक देखिएगा और नीचे एक बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो चलिए गाइस चलते हैं, आप दिखाते हैं आप लोगों को बाहर का मौसम किस तरीके का है। बारिश का मौसम बाहर हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम, अभी हुई थी थोड़ी सी बारिश और घटा हो रखी है प्रॉपर, बारिश का मौसम हो रखा है प्रॉपर। ये मेरा घर है और आरशी खेल रही है गली में, आरशी खेल रही है। बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे घर का ब्लॉग, मैं पूरे घर का व्लॉग बनाऊंगी आपके साथ में, शूट करूंगी, दिखाऊंगी कि आपको मेरा घर कैसा है। तो बारिश होने वाली है, बारिश हो गई है, बारिश का मौसम हो रहा है अभी। तो चलो बना लेते हैं फटाफट खाना, फिर नहा के रेडी हो जाते हैं, चलते हैं फिर विशाल पॉइंट में, ठीक है। तो चलो फ्रेंड हम जा रहे हैं, रेडी हो चुकी हूँ मैं, देखो रेडी हो गई हूँ, हम जा रहे हैं अभी वी पॉइंट पे जा रही है, तो कम ही वी पॉइंट, चलो गिर जाएगी। बोल तो जब आ रहे हैं तो काम करो ना फिर, देखो चलो सामान होगा तभी तो आगे फिर होती रहती है, ये मेरे पास आती ही नहीं है। तो चलो अभी हम जा रहे हैं रेडी होकर, ये देखो रेडी होकर हम जा रहे हैं, मैं ऐसी लग रही हूँ, और हम जा रहे हैं अब रेडी होकर वी पॉइंट में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग वी पॉइंट जाएंगे, तो अब हम जा रहे हैं वी पॉइंट, वहाँ पर पहुँचती हूँ मैं, फिर उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। पहुँच गए वी पॉइंट, ये स्टोर है चॉकलेट का और
यहाँ पर सारा फ्रूट्स लगा हुआ है, यहाँ पर कुरकुरे चिप्स वगैरह सब, रेडबुल, यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक रेडबुल, और यहाँ सारे और यहाँ पर सारे दाल मसाले ले लेंगे, चावल, सेव 25, यहाँ पर सारे बटर रखे हुए हैं जिन पर 25 रुपये 12 रुपीस ऐसे इस तरीके से सेव है, मतलब इन पे से बचत है इतने भी। ये देखो मुझे तो बाय वन गेट वन फ्री, MRP 160। बटर, सारी चॉकलेट्स लगी हुई है यहाँ पर, तो ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक लगे हुए हैं, अमूल का है, अमूल गोल्ड है, सोया ड्रिंक है, ये केक्स वगैरह लगे हुए हैं, ये यहाँ पे टोटल केजी वगैरह में जो होता है वो सब है, ये बोर्नविटा वगैरह यहाँ पे सारे, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर सब रखा हुआ। क्या चाहिए? ये डब्बे हैं जो सारा प्लास्टिक का आइटम रखा हुआ है, लो MRP 5 रुपये। वो देख रही है ना अभी तुम, चलो मैं तुम्हारा व्लॉग बना रही हूँ, चलो आगे चलते रहो। इस पे 17 रुपये सेव है, उससे सस्ता वो वहाँ पे मिल रहा है, उधर भी रखी हुई है वहाँ। अच्छा तो ये पूरा डब्बा कितने का? 4 पैक तो 97 ये 110-120 कुछ की है। हैप्पी फीस, कोक वगैरह सारी ड्रिंकिंग लगी हुई है, साफ जितनी भी होती है, जूस वगैरह, जूस बॉटल वगैरह सब कुछ। आई थिंक मुझे तो लगता नहीं यहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह है, यहाँ पर बस ये है जैसे यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री इस तरीके का लगा हुआ है, बहुत कम लगा हुआ है, 46 से 46 कुछ नहीं है, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं अभी। हिमांशु ओ सुन, बुलाइए, सुन इधर आ। कल हमने विशाल मेगा मार्ट से मैगी ली, वहाँ पर 65 के दो थे, यहाँ 75 के दो हैं, तो यहाँ कॉस्टली है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ 32 सेव। अच्छा इस पर सेविंग लिखा हुआ है, वो क्या है, ड्राई फ्रूट, चने, नमकीन वगैरह, दे सब। मूंग दाल का पैकेट देखा, मूंग दाल का पैकेट ये रहा छोटा, हाँ वो ऊपर छोटा ये दे रखा, हाँ आ रहे हैं। ये है कित, क्या MRP है ये लिखी है ना, 11 MRP नहीं लिखी है, तो उनको बुला वो भैया जो खड़े इधर आना भैया, इसमें भी कोई बड़े का 99.99 नहीं, इसमें कोई बड़े का ऑफर चल रहा है मूंग दाल, इसका जो मूंग दाल का बड़ा पैकेट है वो रखा हुआ था ऊपर, इधर सारा शुगर लगा हुआ है, मूंग दाल का जो पैकेट है कोई बड़े उस पे बड़ा पैकेट, हां तो इतने बड़ा
99 का है ना ये हाँ। तो अच्छा ये एक वो होती है खील मुरमुरे वगैरह ये मिक्सअप है सारा ना इसको तो कोई नहीं खाता भाई लो बिंगो किसका मीठी है ये अच्छा ये कुरकुरे लगे हुए हैं सारे इधर शुगर ये विक्रांत शॉपिंग कर रहा है मामा का लड़का वी पॉइंट में ये लॉन्ग का भी पैकेट है सारे ये मसाले लगे हुए हैं इधर सभी ना और समर कूलर ये मानशु पता नहीं क्या खरीद रहा है ये खट्टा मीठा बता रहा है इसको ना चलो चलो ये अच्छी नहीं लगती मैंने खाई है ये मुझे ला के खिलाई है उन्होंने ये भुजिया मैं कल ले गई थी क्या अरे सर अंदर भैया बाहर की चीज बना आओ मेरा निकाल दे कोई पैकेट वाला ऑफर नहीं चल रहा चिप्स विप्स का ये देखो ना कोल्ड ड्रिंक पर चल रहा कोल्ड ड्रिंक ले कोल्ड ड्रिंक तो ले लेंगे उधर तो हम सेम जगह जा रहे हैं फिर देख लेते हैं ना कुछ देख लेते इधर सारे ऑयल मैं तुम्हें दिखाऊंगी ना ये सब हाँ ये घी रखा हुआ है अभी डिसाइड ही चल रहा है क्या क्या लें क्या नहीं क्या आशी के लिए ड्राइंग बुक इनसे पूछना है भैया इधर आ ड्राइंग बुक वगैरह जो होती है वो है ये मैंने मम्मी को लाके दिया पर मम्मी खाती नहीं ये ऐसे ही रखा ये वाला है वो ये वाला सॉरी ये वाला हनी दो सौ 40 50 मैजिक नूडल मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बस डिस्काउंट यही है ये बाय वन बाय टू गेट वन फ्री इधर 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 तो डिसाइड कर दो जरा चलो बोरिंग है एकदम बकवास है इन्होंने मेरा वीडियो जो था वो रोक दिया था यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर अलाउड नहीं है वीडियो व्लॉग वगैरह बनाने के लिए तो मैं इसलिए पूरा नहीं बना पाई तो चलो गाइस अब जा रहे हैं हम घर और व्लॉग को करते हैं आज यहीं पर एंड मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में सुबह मॉर्निंग में तो जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक करिएगा कमेंट करना तो ना ही भूलिएगा मेरा व्लॉग आपको सुबह मॉर्निंग तक मिल जाएगा 9 बजे तक तो चलिए गुड नाइट।